राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के आज के वीडियो नंबर 8 में देखेंगे कि उप विषय 2 में जो स्वास्थ्य पोषण और कल्याण को बढ़ावा देना है, उप विषय 2 फॉस्टरिंग हेल्थ न्यूट्रिशन एंड वेलबींग, इससे संबंधित कुछ परियोजनाओं को हम देखेंगे। ये सुझाव दिया गया है या जो परियोजना स्थानीय स्तर पर तैयार की जा सकती है। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने की कोशिश की जाए कि स्वास्थ्य पोषण और कल्याण को बढ़ावा देना जो हमारा मुख्य विषय है, इकोसिस्टम, पारितंत्र और मानव स्वास्थ्य, उससे किस प्रकार रिलेटेड है, किस प्रकार संबंधित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित किया है, यह पूर्ण रूप से शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल और सामाजिक रूप से यानी सोशल रूप से अच्छे होने की अवस्था। अर्थात यदि किसी को कोई बीमारी नहीं है, शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं, उसे नींद नहीं आती है, फिर भी WHO उसको अस्वस्थ मानता है। यदि वो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, लेकिन उसका सामाजिक वातावरण अस्वस्थ है, फिर भी WHO उसे अस्वस्थ ही मानता है। सिर्फ रोग या रुग्णता की अनुपस्थिति ही सिर्फ स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। यह जो परिभाषा है यह जैव मनोसामाजिक मॉडल के अनुरूप है, जिसको बायो साइको सोशल मॉडल कहते हैं। यानी जीव अपने शरीर के अतिरिक्त अपने मन से के साथ भी संबंधित है और अपने सामाजिक परिवेश के साथ भी संबंधित है। जो स्वास्थ्य की स्थिति में तथा अस्वस्थता में दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों और इन कारकों के मध्य अंतःक्रियाओं को समझता है। और यहीं से आपका टॉपिक उभरता है कि मनुष्य सिर्फ उसका देह, उसका तन, उसका बॉडी, फिजिकल बॉडी ही उसका सिर्फ उससे संबंधित नहीं उसके हेल्थ से, बल्कि उसका जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जो उसका जो सोशल कंडीशन है, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। स्वास्थ्य और कल्याण हमारे भोजन और पोषण की प्रथाओं से संबंधित है। निरंतर बेहतर स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों एवं उपयुक्त कैलोरी युक्त संतुलित आहार हमारी मूलभूत आवश्यकता है। यदि संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो पोषण जनित, जो कुपोषण जनित व्याधियां होती हैं उससे पीड़ित हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पोषक तत्व और कैलोरी युक्त भोजन के अतिरिक्त हमारे स्वस्थ विकास, स्वस्थ आयु वृद्धि एवं बुढ़ापा तथा रोगों के विरुद्ध अधिक लचीलापन प्रदान करता है। यानी जिसको रोग प्रतिरोधी क्षमता आप कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वो प्रदान करता है यदि हम संतुलित आहार लें, पर्याप्त आहार लें। दूसरी ओर अच्छा महसूस करने तथा अच्छी तरह से काम करने के संयोजन को ही कल्याण के रूप में परिभाषित किया गया। तो यहाँ जो वेल बीइंग शब्द है आपका उप विषय में, ये कल्याण क्या है? कल्याण मीन्स अच्छा, अपने आप को अच्छा महसूस करना, ठीक है, और साथ ही इसके साथ संयोजन कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसी को वेल बीइंग कहा गया है। अर्थात खुशी और संतोष जैसी सकारात्मक भावनाओं के अनुभव के साथ साथ अपनी क्षमता में आप विकास कर सके, अपने जीवन पर नियंत्रण कर सके, जीवन के उद्देश्य को समझ सके एवं सकारात्मक संबंधों का अनुभव कर सके। वास्तव में संतुलित आहार जो बैलेंस डाइट हमारा है, स्वस्थ विचार जो पॉजिटिव थिंकिंग है और शरीर तथा कल्याण आपस में जुड़े हुए हैं, जो अपनी समग्रता में किसी समुदाय और समाज की स्थिति को भी दर्शाते हैं। आमतौर पर कल्याण मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, सामाजिक और मानव जीवन के भौतिक पहलुओं के साथ प्रकृति से इनके संबंधों को जोड़ती है। मानव और पशु स्वास्थ्य पोषण और कल्याण की स्थिति के बारे में मनोवैज्ञानिक खोज करने के लिए उत्प्रेरित भी करता है और केंद्रित भी करता है। साथ ही
या उपविषय उन्हें व्यक्तिगत पारिवारिक और सामुदायिक स्थलों पर स्वास्थ्य एहतियात एवं सुरक्षा पोषण सुरक्षा और कल्याण की स्थिति को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए जो विभिन्न तरीके हो सकते हैं या क्या युक्तियां हो सकती है उनकी पहचान करने के लिए प्रेरित करता है। तो जस्ट क्लियर हो गया आपका कि आपका जो ये उपविषय है या किन परियोजनाओं के प्रति आपको अभिमुख कर रहा है। जो कुछ प्रस्तावित परियोजनाएं आपके कैटलॉग में दी गई हैं उसके अनुरूप या उससे इतर आप कुछ परियोजनाएं स्थानीय स्तर पर बना सकते हैं। जैसे कि पहला आपका जो प्रस्तावित परियोजना है कि बदलते मौसम के अनुसार पादपों अथवा जंतुओं अथवा मनुष्यों में होने वाले जल जनित रोगों का अध्ययन। मौसम चेंज हो गया, मौसम बदलता है, खासकर बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं भारत में जहां पे सालों भर एक समान मौसम रहता है, खासकर जो समुद्र तटीय इलाके हैं। लेकिन हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में सभी मौसमों का आनंद हम लेते हैं और सभी विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार के बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों में वायु जनित भी है, जो ऐसे जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं या वायरस हैं जो वायु के माध्यम से फैलता है। जैसे अपना कोविड जो है वो कोविड-19 ये वायु के माध्यम से फैल रहा था, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग की विधि अपनाई गई। अभी भी कोविड का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, जबकि अभी ये लगातार बढ़ता जा रहा। जल जनित वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं जो पानी के थ्रू आते हैं, और पानी के थ्रू आते हैं जैसे टाइफाइड। हमारा टाइफाइड दूषित जल से फैलता है, अन्य भी बीमारियां हो सकती हैं। तो आपके जो स्थानीय परिवेश में है, वो स्थानीय परिवेश में जो आपका जो कोई खास पादप का प्रजाति है, आप देखेंगे कि भाई दो आम का बगान है, एक बगान में बहुत अच्छा आम एक ही प्रजाति है तो उसमें अच्छा जो फल आया है, एक आम एक बगान में नहीं आया है। तो कहते हैं ना कि उसमें वो जो है उसको दवा छिड़काव नहीं हुआ। दवा छिड़काव नहीं होना मीन्स क्या, कहीं ना कहीं उस आम के जो पेड़ है उस पेड़ पर किसी न किसी जीवाणु का या कवक का या विषाणु का क्या हुआ था, अटैक हुआ, वो बीमार हुआ वो पौधा। और उस बीमार से बच उसको बीमारी से बचाने के लिए आपने दवा का छिड़काव किया। तो इसका अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आप अपने गाँव का नाम ले लेंगे या जो बाल विज्ञानी हैं और जिस गांव का या जिस बगीचे का अध्ययन कर सकते हैं वहाँ का नाम ले लेंगे, और वहाँ पे जो पादप प्रजातियाँ हैं, तीन चार पादप पर आम है या अन्य धान है, मक्का है, गेहूं है। अब गेहूं में कई तरह के रोग लगते हैं, धान में कई तरह के रोग लगते हैं, अब उनकी प्रजातियाँ ले लेंगे और इनका अध्ययन कर सकते हैं कि जल वाटर बॉर्न जो डिजीजेज हैं वो मौसम के अनुसार में क्या परिवर्तन होता है। और सिर्फ समस्या उठाना नहीं है, स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक तरीके से उसका आप कैसे समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इसमें कई तरह की, बस एक प्रस्तावित है, इसमें कई तरह की परियोजनाएं हो जाएंगी। आपको अकेले सारा नहीं ले लेना है कि आप उसी इलाके में आपको पादप भी ले लेना है, जंतु भी ले लेना है, मनुष्य भी ले लेना है, ऐसा नहीं। कोई एक लेके आगे बढ़िए, उसमें बहुत सारा काम करने को मिल जाएगा। और उसमें बीमारियां तो जल जनित बीमारियां खासकर जो बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियां जल जनित में ज्यादा होती, तो वो जो है वो उसका स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह का बैक्टीरिया, किस तरह के लोग, अगर मनुष्य पे लेते हैं तो किस तरह लोग बीमार पड़े हैं, कौन कौन से बीमारियां आई हैं और उन बीमारियों से बचाव के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, और वो जो जल जनित बीमारियां जो स्प्रेड हो गई है उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किया जाए। दूसरी जो प्रस्तावित परियोजनाएं हैं कि जलीय चारा घास का पालतू पशुओं के दूध उत्पादन तथा गुणवत्ता तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन। देखिए दुनिया मॉडर्न हो रही है तो पशु को भी मॉडर्न भोजन दिया जा रहा है। पहले पशु का भोजन होता था मुख्यतः चारा, और पशु
कम मात्रा में दूध देती थी, लेकिन उस दूध में जो फैट की मात्रा थी, जो इम्यूनिटी पावर था, जिस दूध से जितनी एनर्जी आपको मिलती थी, वो आज के जो मॉडर्न भोजन है इसमें नहीं मिल पा रही है, या मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, ये इसका कंपेरिजन आपको करना है, आप इस पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो जलीय चारा घास, तो जल जो जल में एक्चुअली घास जब भी है तो वो जल तो आ ही जाएगा, बिना जल का तो कोई भी प्लांट आएगा ही नहीं। तो चारागाह में जो पशु जाते हैं चरने, उनसे जो दूध उत्पादन होता है, उस दूध की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, और स्थलीय घास, ऐसा घास जहां जल जमाव नहीं होता है, उसको खा करके जो दूध की क्वालिटी है, और जिसको जो है वो सिर्फ खली भूसा ये सब दिया जा रहा है, वो उसको चरने के लिए नहीं ले जाया जाता, चारागाह में नहीं ले जाया जाता, घास वगैरह नहीं दिया जाता। अब उस तीनों में कंपेरिजन आप कर सकते हैं कि उस कंपेरिजन में क्या अंतर है, बहुत अच्छा इस पर बन सकता है, ये आप इस पर बना सकते हैं। अब पालतू पशुओं में अब सभी पशुओं को नहीं ले सकते हैं, अब चूंकि आप दूध उत्पादन से संबंधित है, तो दूध में खासकर जो हम लोगों का क्षेत्र है वहाँ या तो भैंस या गाय, दो का दूध दिया जा सकता है, तो गाय और भैंस दो का कंपेरिजन कर सकते हैं, सिर्फ गाय का भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं, गाय में भी कई तरह की प्रजातियां हैं, ठीक है, जर्सी हो गया या फिर अन्य जो है उसका हाइब्रिड प्रजाति है, तो आप दो तीन प्रजातियों को कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि इनको दिया गया तो इनकी गुणवत्ता में क्या अंतर आया, उनकी गुणवत्ता में क्या अंतर आया, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों देख लेना कि दूध कितना दी और उसके क्वालिटी में क्या अंतर आया, ठीक है, इस पे बहुत अच्छा बन सकता है। तीसरा जो प्रस्तावित परियोजना थी, नगर पालिका अवशिष्ट डंपिंग में कुप्रबंधन की मिट्टी पादपों पशु स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, जो शहरी इलाकों के आसपास रहते हैं उनके लिए ये टॉपिक पे काम करना ज्यादा आसान होगा, जो भी नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ साफ सफाई मद में टैक्स लिया जाता है, बदले में वहाँ कूड़ा प्रबंधन एक डिपार्टमेंट खोला जाता है, जहाँ से मॉर्निंग में वो कचरा इकट्ठा करते हैं, कचरा इकट्ठा करके उसकी डंपिंग की जाती है खेत में, या किसी खास उसका जगह घिरा होता है जहाँ पे वो डंपिंग करते हैं। उस डंपिंग एरिया में आप जाएं तो काफी बदबू आएगी, ठीक है। अब उस डंपिंग से, चूंकि वो जो डंपिंग करता है तो नियम है, गवर्नमेंट का रूल्स है कि भाई जो बायोडिग्रेडेबल है उसका अलग, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग डंपिंग करना है, फिर जो बायोडिग्रेडेबल है उसमें भी जो मेडिकल वेस्ट है उसका अलग करना है ताकि बीमारियां ना फैले। तो आपके जो रीजन है जहाँ पे आप स्टडी करने जा रहे हैं, जहाँ पे रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आपका जो परियोजना क्षेत्र है जिसके संबंधित तमाम चीजें हम वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 में डाल चुके हैं, तो उसमें जो आप क्षेत्र का चयन किए हैं, उस क्षेत्र में जो डंपिंग हो रही है, तो उस डंपिंग से वो डंपिंग कुप्रबंधन है कि नहीं, प्रबंधित है, मैनेज्ड, वेल मैनेज्ड है कि नहीं है, वो बायो जो मेडिकल वेस्ट है उसको अलग किया जाए कि नहीं किया जाएगा, समाप्त नहीं ही होगी। अब जब नहीं है तो उसको कहेंगे कुप्रबंधन है, तो मैनेज ठीक से नहीं हुआ। अब कुप्रबंधन जो हुआ तो उससे उसके सॉइल, वहां के आसपास का जो सॉइल है उस पर क्या इफेक्ट हुआ, वहां जो प्लांट है उस पर क्या इफेक्ट हुआ, और पशु भी तो जब चरने जाते हैं पशु, तो पशु चरने जाते हैं तो वो तो उनको उतनी समझ नहीं आती कि कहाँ पे डंपिंग कचरा डाला जा रहा है और कहाँ पे एकदम स्वस्थ घास, तो वो तो चले ही जाएंगे उस जगह पे, तो क्या उनके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वहाँ आसपास कोई बस्ती है, ऐसे अमूमन बस्ती नहीं होती, बस्तियों में वो डंपिंग नहीं करते हैं, लेकिन आसपास यदि किसी का घर हो तो क्या वहाँ के मनुष्य पे भी कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा उनके स्वास्थ्य पर, इसका स्टडी आप कर सकते हैं, यह भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, ठीक है। अब नगर पालिका नहीं, आपका जो भी नगर पालिका होगा, सीतामढ़ी नगर निगम, हाँ, के डंपिंग स्थल ये हो सकता है, उसका 4-5 डंपिंग स्थल हो,
जिस पार्टिकुलर डंपिंग स्थल का अपनी है बस उसी पर सीमित के रह जाए, उस पर भी बहुत सारा काम करने को मिल जाएगा। तो उस पार्टिकुलर डंपिंग स्थल पर जो डंपिंग हो गई है, उस डंपिंग के कुप्रबंधन से वहाँ की मिट्टी, पादप, पशु, अगर अगर मान लीजिए वहाँ बस्ती है तो मनुष्य पर के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ये आपका हो गया। अब सबका अलग अलग मेथोलॉजी में सबका हो जाएगा, सॉइल पर क्या प्रभाव पड़ा, मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ा, पादप पर क्या प्रभाव पड़ा। आप एक एक ही का डिटेल में करना चाहते हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम, सिर्फ मिट्टी पर प्रभाव का अध्ययन कर दीजिए, सिर्फ पादप पर प्रभाव का अध्ययन कर दीजिए, सिर्फ पशु पर प्रभाव का अध्ययन कर दीजिए, चाहे सिर्फ मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर दीजिए। लेकिन मनुष्य पर प्रभाव का अध्ययन आप तभी करेंगे जब वहाँ आस पास में कोई बस्ती हो। पशु के पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन आप तभी करेंगे जब पशु वहाँ चढ़ने के लिए जाते हों। और पादप और मिट्टी का तो आप कर ही सकते हैं, चूंकि मिट्टी तो वहाँ मिंटिंग में डंपिंग किया ही जाता है, पादप उस पास पास में होंगे। चौथा जो आपका प्रस्तावित परियोजना है कि मवेशियों के स्वास्थ्य पर जलवायु एवं मौसम के प्रभाव का अध्ययन एवं इनका नियंत्रण। ठीक है, जलवायु चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी दिवस मनाया गया और इसका उद्देश्य यही है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसको मिनिमाइज किया जाए। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सारे गोल्स जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं इसी पर फोकस करता कि कैसे हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम से कम कर सकें। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका प्रभाव मौसम पे पड़ता है। आप देखेंगे कि इस वर्ष इन क्षेत्रों में जहां पे कभी बारिश नहीं होती थी वहां बाढ़ आ गया, और जो क्षेत्र सालों भर बाढ़ के पानी में डूबा रहा, सालों भर नहीं तो कम से कम 3-4 महीना वो बाढ़ के पानी में डूबा रहता था, वो क्षेत्र सूखे की मार झेल रहा है। ये क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन का संबंध हुआ मौसम के परिवर्तन से। तो इस मौसम में जो परिवर्तन हुआ है इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप ये भी टॉपिक देख सकते हैं। मवेशियों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पालतू पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप जो स्टडी करना चाहें जिस पर आपको है। अब जो बाल विज्ञानी मवेशी पालन जिनके घर में होता, मवेशी का ये नहीं हो गया कि सिर्फ भैंस और गाय, मवेशी में बैल भी आ गया, जिनके यहाँ मवेशी में आपको बकरी भी आ गया, तो यदि मवेशी पालन होता है या उनके आसपास में होता है तो उनके लिए कुछ काम करना ज्यादा बेस्ट हो। तो आप इस तरह का स्टडी कर सकते हैं जो जलवायु मौसम का प्रभाव है। आप अपने एरिया का नाम ले लेंगे कि मान लीजिए कि परसौनी गांव में या बंचौवी गांव में जो मौसम में परिवर्तन का यहाँ के मवेशियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। अब मौसम में यदि गर्मी बढ़ी है और पहले जितनी गर्मी होती थी औसत तापमान बढ़ी है, बारिश कम हुई है, तो मवेशी ज़्यादा बीमार होने लगे हैं, उसकी दूध उत्पादन क्षमता में या उसके कार्य क्षमता में कमी आई है कि वृद्धि हुई है, ये सब स्टडी का विषय है। पहले तो कहा नहीं जा सकता कि आप स्टडी क्या कर रहे हैं वहाँ, स्टडी से आप जितना डीपली स्टडी करेंगे उतना आप रिजल्ट निकल के फाइंडिंग ला के देंगे दुनिया को कि हाँ भाई ऐसा चेंज होने से इस पर ये प्रभाव पड़ रहा है और उस प्रभाव का क्या उपाय कर सकते हैं। अब मान लीजिए बहुत गर्मी आ गई, मवेशी छटपटा रहा है, उसकी उत्पादन क्षमता घट गई है, वो बीमार ज्यादा रहने लगा है, मवेशियों की मौतें हो गई हैं, तो फिर उसके रहने का जो जगह है क्या उस जगह को कैसे हवादार बनाया जा सकता है जहाँ वो हवा लग सके, उसका और क्या उपाय किया जा सकता है, क्या उसका जो घर है वो ऊपर में जो छत है वो किस तरह का है, वो छतदार है कि एस्बेस्टस है, किस तरह का है, क्या उसको और ठंडक लगने के लिए कुछ प्राकृतिक उसका उपाय किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इस सब पे भी आप बहुत अच्छा काम हो सकता है। पांचवा जो आपका प्रस्तावित परियोजना है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु जैविक नियंत्रण प्रणाली द्वारा मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों के प्रसार के नियंत्रण का अध्ययन। जैविक नियंत्रण विधि, मच्छर तो समझ रहे हैं कि दुनिया में जो किसी से नहीं हारा वो मच्छर से हार गया। सिकंदर महान का नाम आप सुने होंगे यूनान के, जिनको विश्व विजेता कहा गया था,
कोई भी राजा उनको नहीं हरा सका। लेकिन जब वो किसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए वो जंगल होके जा रहे थे तो उनको मलेरिया हो गया, और उस समय में मलेरिया की दवा विकसित नहीं हुई थी, वो मलेरिया से मर गए। तो मच्छर से सभी लोग पीड़ित हैं। शाम होते ही मच्छरों की भनभनाहट सुनाई देती है। अब मच्छरों के बारे में आपको हम बता दें, ये आपको पता होगा कि मच्छर जो है उसका भोजन मनुष्य का रक्त नहीं है। मच्छरों का भोजन फूलों फलों या फिर तनों पत्तियों का रस है। मच्छर मानव का रक्त सिर्फ अपने अंडाशय में पल रहे अंडों के अच्छे से निषेचन के लिए लेती है, क्योंकि उनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, लगभग 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और उनके अंडे को सेने के लिए जो आवश्यक तापमान होता है वो आवश्यक तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसके लिए मच्छर में जो मादा मच्छर है, क्योंकि जो भी अंडे पल रहे होंगे वो तो मादा मच्छर में पल रहे होंगे, तो नर मच्छर तो मनुष्य को काटता भी नहीं है। वे मादा मच्छर जिनके गर्भ में अंडे होते हैं वह अपने अंडे को सीने के लिए मनुष्य या ऐसा स्तनधारी प्राणी जिसके बॉडी का तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होता है उससे रक्त को चूस करके अपने गर्भाशय में रखती है, जिससे उसके अंडे को सेने के लिए जो आवश्यक तापमान है वह प्राप्त होता है, वह अंडा सफल होकर के फिर नए मच्छर के रूप में उत्पन्न होता है। तो इसीलिए सिर्फ मादा एनोफलीज मच्छर जो है, या अगर डेंगू के मच्छर है तो उसकी जो मादा प्रजाति है यही को, तो लेकिन काटने से नुकसान हुआ क्या कि मलेरिया या डेंगू या अन्य बीमारियां या फैलाती है। मलेरिया जो आपको पता होगा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम प्रजाति है, चार तरह के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। जहां इंडिया में खासकर जो हम लोगों को मिला प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरी, ये दोनों प्रजातियां ज़्यादा हैं, और बस ये चारों प्रजातियां जो हैं, ये चारों प्रजातियां मनुष्य में मलेरिया पैदा करती हैं। इन चारों प्रजातियों में अंतर सिर्फ ये है कि जो बुखार का आवर होता है, जो रेपिटेशन आवर है, उसमें अंतर होता है। किसी में 8 घंटे पर, किसी में 12 घंटे पर, किसी में 24 घंटे पर, किसी में 48 घंटे पर पुनः बुखार लगता है। तो ये जो प्रसार है, ये जहाँ जल होंगे, जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा होगी उसी आसपास में ये ज़्यादा होते हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए आप डीडीटी का छिड़काव कर देते हैं, या फिर आप मच्छर के लिए जो आपका क्वाइल वगैरह आता है वो जलाते हैं। ये सब क्या है, पॉल्यूशन फैलाते हैं और इको सिस्टम में ये इको सिस्टम के लिए नुकसान करें। ठीक है, मिट्टी तेल डाल देंगे तो वाटर में क्या होंगे, ये ठीक है मच्छर मर जाएंगे, लेकिन ये मच्छर के जो अंडे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त और अन्य भी जो उसमें बायो कंपोनेंट हमारा है, जो आवश्यक है वहाँ डिकम्पोजिशन के लिए, अपघटन के लिए चाहिए, वो भी तो समाप्त हो जाएगा, तो वो तो पाचनतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसका जो जैविक रूप से क्या नियंत्रण किया जा सकता है, अब जैसा कुछ करके देख सकते हैं, बहुत सारा विधि ऐसा है जिसको जैविक रूप से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप देखिए कि कुछ ऐसा तो प्लांट प्रोडक्ट में कुछ ऐसा तो नहीं जिसको रख देने मात्र से उसके गंध से मच्छर भाग जाता हो। ठीक है, कुछ ही नहीं कि वो क्वाइल जलाना ही पड़े उसके गंध से भाग जाता हो। ये आपके स्टडी का विषय है कि ऐसा नहीं कि कुछ यूट्यूब पे कुछ इंटरनेट पे आप देख करके और उसका उसको आप लिख के चले आइए। कुछ करके देखिए, स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसा पौधा हो
या कुछ ऐसा बीज हो, कोई ऐसा फल हो जिसके गंध मात्र से वो भाग जाते हैं। अगर जहाँ जल का डंपिंग है और वहां पे अगर मच्छर के अंडे हैं ज्यादा, तो उस पर बायोलॉजिकल रूप से अब क्या किया जा सकता है, क्या मिला देंगे बायोलॉजिकल जो पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए या मच्छर भी खत्म हो जाए या मच्छर का वृद्धि रुक जाए। तो इसके नियंत्रण का स्टडी आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, विशेष टॉपिक है, इस पर आप काम किया जा सकता है। अगला जो आपका प्रस्तावित परियोजना है कि सब्जियों और फलों के सेल्फ आयु को बढ़ाने हेतु कार्बनिक तरीकों के उपयोग का अध्ययन। देखते हैं कि सब्जी और फल इस दोनों का जो बिजनेस करता है वो बिजनेस सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस है। आप बाजार में सब्जी लेने जाते हैं और यदि सब्जी आपको देखने में बहुत ताजा नहीं दिखता है तो सब्जी आप कहते नहीं नहीं लेंगे, ताजा नहीं, बासी सब्जी। सब्जी विक्रेता ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने खेत का सब्जी नहीं ला रहा है बल्कि कहीं से खरीद के ला रहा है, और जो गर्मी है उस गर्मी में वो सब्जी जो है वो उसका जो ताजगी है वो समाप्त हो सकता है। अब उस ताजगी को मेंटेन करने के लिए, चमक लाने के लिए बहुत सारा केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है व्यापारियों के द्वारा, जो आपके हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचाता है। फल में भी यही बात है। अब फल में भी जो है यदि हम रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं अगर उसके लाइफ को, सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं वो मानव स्वास्थ्य को सीधा प्रभावित करेगा। तो क्या कुछ ऐसा कार्बनिक तरीका हो सकता है, ऐसा कोई बायोलॉजिकल तरीका है जिसके माध्यम से आप उसकी सेल्फ आयु को बढ़ा सकते हैं? अगर बैगन है वो 2 दिन तक भी ताजा बना रह सकता है, 15 दिन तक भी ताजा बना रह सकता है, फ्रिज में रखना, ठंडे जगहों पर रखना वो बायोलॉजिकल तरीका नहीं हुआ। ठंडी जगहों पर रखना, कोई प्राकृतिक ठंडा ऐसा वातावरण आप बना सकते हैं, पत्तों वगैरह का मिला करके उसमें पानी डाल करके ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे वो ऐसा नहीं गुस्सर जाए, तो बेकार हो जाएगा। उसके आयु को बढ़ाने के लिए आप कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? याद है हमें कि कुछ वर्ष बाल विज्ञानी ऐसा कुछ करके लाए थे कुछ विगत वर्षों में, और अच्छा लगा था, लेकिन उनमें कंटेंट्स काफी कम थे। हम कंटेंट से रिलेटेड वीडियोज भी जारी करेंगे जिसमें आपको एक मैटर पर काफी कंटेंट्स देंगे जिससे आपको उसको उसका जो रिपोर्ट होगा उसको बनाने में आपको आसानी होगी, डाटा बहुत सारा मिल जाएगा। तो ये जो फल और सब्जी है, अब कुछ खास सब्जी आपको, अब यहाँ के लोकल में अंगूर पे नहीं जाना है, आपको सेब पे नहीं जाना है, यहाँ की ढेर सारी सब्जियाँ, केला यहाँ होता है, ठीक है, फल में आ गया केला, सब्जी में भी आ गया केला, बैंगन है, टमाटर है, गोभी है, परवल है, जो यहाँ के खेतों में उपजता है, उनका जो सेल्फ लाइफ आप कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ जो फल होते हैं, पपीता है, अमरूद है, यहाँ के फल के सेल्फ आयु को बढ़ाने के लिए आप क्या कार्बनिक तरीका अपना सकते हैं? और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा करके कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इतना करके नहीं लाना है, ऐसा करके आपको देखना है, वो डाटा एकत्र करना है कि कितना दिन में, ऐसे अगर उस विधि को नहीं अपनाए तो कितना दिन में खराब हो गया, उस विधि को अपनाने से कितना दिन ज़्यादा बढ़ गया। और रासायनिक यदि कोई अगर आपके गाँव में या आपके इलाके में कोई करता है तो उससे कितना बड़ा और उससे क्या नुकसान है, और इससे कोई नुकसान नहीं है, ये कंपेरेटिव स्टडी करके अपना अच्छा टॉपिक इस पे काम किया जा सकता है। अगला जो आपका है प्रस्तावित परियोजना की आदिवासी जनजातियों क्षेत्रों में खाद्य प्रणाली एवं स्वास्थ्य की स्थिति के पैटर्न का अध्ययन। तो आदिवासी जनजाति क्षेत्र तो आपका नहीं है, लेकिन जो आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं है ना, वहाँ का जो खाद्य प्रणाली उनका थोड़ा सा अलग रहता है जनरल लोगों से, आदिवासियों का जो जीवन शैली है वो अलग है। तो उनका जो खाद्य प्रणाली है, जैसे खासकर जो घुमंतू लोग रहते हैं, आप तो खैर लोग शिफ्ट होने लगे हैं धीरे धीरे, लेकिन बहुत सारा देखेंगे जो आदिवासी हैं, हो सकता है आप गाँव के आसपास भी लोग आके बसे होंगे, उनको एक जगह रहने में मन ही नहीं लगता, वो कुछ दिन 2 महीने 3 महीने एक जगह बिताएंगे, वो घूम घूम करके कुछ एकत्रित करेंगे,
हाँ, अनाज या कुछ फल सब्जी एकत्रित करते हैं, फिर भोजन पकाते हैं, खाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो उनका जो उनके स्वास्थ्य के पैटर्न का क्या स्टडी करना है कि वो ऐसा तो है कि ये यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं, तो कई तरह के मौसम का माल झेलना पड़ता है, जलवायु परिवर्तन का माल झेलना पड़ता है। उनके लिए पक्के मकान नहीं होते हैं, वो टेंट में तंबू में रहते हैं, जहाँ सर्पदंशों का भी खतरा रहता है, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। क्या वो स्वस्थ हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, या फिर उनमें कुछ अंतर है उनके खाद्य प्रणाली से, तो इसका स्टडी भी किया जा सकता है। अगला जो प्रस्तावित परियोजना है कि कल्याण के लिए जन स्वास्थ्य पोषण और सामुदायिक स्वास्थ्य का अध्ययन, बहुत अच्छा टॉपिक है कि वेल बीइंग के लिए, कल्याण के लिए जो जन स्वास्थ्य का जो पोषण है, पब्लिक हेल्थ का जो न्यूट्रिशन सिस्टम है, और जो सामुदायिक स्वास्थ्य है, जो कम्युनिटी हेल्थ है, उसका स्टडी किया जा सकता है। अब जन स्वास्थ्य पोषण में जो पोषण की रीति, अब जो संतुलित आहार है, अब संतुलित आहार है तो आपको संतुलित आहार के डाइट में मिल जाएगा अंडा, दूध, मांस, मछली, ये सब संतुलित आहार में मिलते हैं। तो क्या इसका सब्स्टिट्यूट आपके लोकल लेवल पे है कि नहीं, आप लोकल लेवल का सब्स्टिट्यूट बना के बैलेंस डाइट बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि पपीता जो है लगभग प्रत्येक गांव में है। हमको नहीं लगता कि ऐसा कोई भी गांव है जहाँ पपीता का पेड़ नहीं है, और पपीता में लगभग सारे तरह के विटामिन और सारे तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जो आपका वो उतना मिनरल्स ना तो मीट में है ना तो अंडा में है। तो क्या आप अपने लोकल लेवल पे जो बैलेंस डाइट आपका है, जो पोषण है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट आप पब्लिक हेल्थ के लिए बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बहुत अच्छा काम किया जा सकता है इस टॉपिक पे। इसके अतिरिक्त जो कम्युनिटी हेल्थ है, सामुदायिक स्वास्थ्य है, अब कम्युनिटी हेल्थ का स्टडी आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि दो कम्युनिटी का स्टडी किए, एक कम्युनिटी का पूरा जो है वो डाइट चार्ट, एवरेज डाइट चार्ट लिए, दो लोग क्या क्या लेते हैं, एक कम्युनिटी का लिए कि क्या क्या लेते हैं, ठीक है, खासकर आपके गांव में दो समुदाय के लोग होंगे तो एक समुदाय का जो पोषण का जो विधि होगा वो अलग होगा, एक समुदाय के पोषण की विधि का अलग होगा, और किनमें किस तरह की व्याधियां हैं, किस तरह की बीमारियां हैं, और उनमें जो है खासकर कुपोषण जनित जो व्याधियां हैं वो किनमें ज्यादा, वो आप कंपेटिव स्टडी करके ला सकते हैं। बहुत अच्छा चीज है, इसमें काम किया जा सकता है। अगला जो प्रस्तावित परियोजना है कि अपने क्षेत्र में फैलने वाली मौसमी बीमारियों एवं उनके नियंत्रण हेतु पादप आधारित औषधियों के महत्व का अध्ययन। इस पर तो खासकर आप देख रहे हैं कि कोविड के काल में सभी दवा को छोड़कर इस पर शिफ्ट हुआ। तो क्या अब जो सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है, लोग सीधे दवा दुकान में पहुंच जाते, वहां जो है हुआ कि भाई सर्दी हो गया, लिवोसिट्रिजिन दे दीजिए, बुखार आ गया पैरासीटामोल दे दीजिए, लेकिन पैरासीटामोल का डायरेक्ट इफेक्ट स्प्लीन पे आ रहा है, सर्दी का इफेक्ट हो, अगर सिर्फ लिवोसिट्रिजिन ले रहे हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट है, जब भी कोई केमिकल ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट बॉडी पे आता ही आता है। अब आपके स्थानीय स्तर पर ये काढ़ा जो है, पहले कहाँ दवा हुआ करता था, पहले सुने होंगे वैद्य जी हुआ करते थे, और जब लोग बीमार पड़ते थे तो गांव में ही जड़ी बूटी लेकर के वो घास उखाड़ के वो उखाड़ करके वो तुलसी का काढ़ा बना करके उसमें मरीच डाल के पी लेते थे, सर्दी ठीक हो जाता था। आज दुनिया जो है वो मॉडर्न की तरफ जा रही है, केमिकल के प्रति जा रही है, और इससे थोड़ा भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, हल्का मौसम बीमारी भी हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार भी हो रहा है, सीधे हम दवा दुकान में भागते हैं, डॉक्टर के यहाँ भागते हैं, और वो यहाँ से वहां से एक झोला दवा लेके चले जाते हैं, और इसका पूरे शरीर पर हम साइड इफेक्ट को झेलते हैं। एक बीमारी तो ठीक होती है, दूसरा बीमारी जन्म लेना शुरू कर देती है। तो क्या स्थानीय स्तर पर इसका आप कुछ औषधि का उपयोग किया जा सकता है, सर्दी के लिए वो, इसके लिए वो, और वो कितना इफेक्टिव हुआ, कितना पे किया गया, क्या इफेक्ट हुआ, सिर्फ हाइपोथेसिस से काम नहीं करना, उसको आप दिए कि नहीं दिए, आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि औषधि का तो कोई, उसका तुलसी का कोई काढ़ा अगर सर्दी नहीं है फिर भी पी लेगा तो ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो
अब क्या किया जा सकता है, गिलोय लगभग प्रत्येक गांव में गिलोय होगा, लेकिन अक्सर लोग गिलोय पहचानते ही नहीं। अब गिलोय की पहचान कराना सिखाएं, और वो गिलोय जो है वो गिलोय रस पतंजलि में या अन्य कंपनी में जो गिलोय रस आता है, गिलोय वटी, गिलोय धनवटी आता है, वो खरीद के खाएंगे, लेकिन अपना जो ताजा गिलोय आपकी गांव में मौजूद है उसका सेवन लोग नहीं करेंगे। अन्य भी पादप इस तरह के हैं, तो आप उसका ब्राह्मी है, सताबर है, सुगंधा है, बहुत सारा जो पहाड़ों पे होता है, तो पहाड़ पे आपको नहीं जाना। आपके स्थानीय स्तर पर बहुत सारा आपको, बहुत आपके जो वृद्ध लोग होंगे या वृद्धा लोग होंगी, गांव की महिलाएं आपको बता देंगी जब वहाँ की, भाई अगर ये डिसेंट्री हो जाए, लूज मोशन हो, तो आप ये पिला दो, ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह का आपको उसमें कुछ अगर स्टडी करेंगे तो ढेर सारा आपको विकल्प मिलता चला जाएगा। उसकी पूरी सूची बना करके, उस पर काम करके, उस पर बेहतर स्टडी करके आप ला सकते हैं। तो ये थे उपविषय दो के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाएं। उपविषय को आप समझ गए, परियोजनाओं को समझ गए, इससे रिलेटेड आप कई तरह की परियोजनाएं अपने मन से आप बना सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि इस टॉपिक पर बनाए गए परियोजनाओं में किसी तरह की कोई आवश्यकता हो, कहीं कुछ अगर कंटेंट चाहिए, तो कंटेंट से रिलेटेड वीडियो तो हम अगला वीडियो डालेंगे। इस परियोजनाओं पर विचार के संबंध में कोई जानकारी चाहिए या कुछ और नॉलेज चाहिए, तो निश्चित तौर पर कमेंट में डालें। अगले वीडियो में फिर हम नए कंटेंट के साथ आपसे मिलते हैं।